Welcome back, my dear students. I am Barkat Ali Maher, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Chur. आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो एक वेक्टर होता है तो क्या वो वेक्टर दो हिस्सों या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो सकता है या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि एक वेक्टर की तकसीम यानी डिवाइड होना, स्प्लिट अप होना, ब्रेकअप होना किस में, इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो ऐसे हिस्सों में तकसीम होना जो आपस में राइट एंगल बनाते हो, मींस 90 डिग्री एंगल बनाते हो, इसको आप राइट एंगल कहते हैं। तो क्या ये वाकई होता है कि वेक्टर इज डिवाइडेड, स्प्लिट अप यानी टूट जाए, तकसीम हो जाए दो हिस्सों में? तो इस बात को समझने के लिए आप ये क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। Look at this, my dear students. A toy car is being pulled by a child with a force of 1 newton acting along the string at an angle of 30 degree, but the toy car is moving horizontally. It is not flying along the string. Why? Yes, my dear students. So you enjoyed the clip. Let's see. कि आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर toy car को बचा 1 newton force के साथ along स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है तो ये गाड़ी अलॉन्ग द स्ट्रिंग फ्लाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन ये टॉय कार अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस एक्स एक्सिस में क्यों मूव हो रही है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस सवाल का जवाब हमारा ये टॉपिक देगा जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जब भी हम किसी चीज पर फोर्स यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, तो अगर वो वेक्टर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाता है तो वो जो वेक्टर का टोटल इफेक्ट है, जो टोटल असर है, वो उस तरफ नहीं होता। इस एंगल की वजह से वो वेक्टर का जो टोटल इफेक्ट है वो डिवाइड हो जाता है एक्चुअली इंटू टू कंपोनेंट्स। One is this horizontal component, other one is this vertical component. यानी कि ये फोर्स दो हिस्सों में खुद ब खुद तकसीम हो जाती है, और अगर ये horizontal component vertical component के मुकाबले में ज्यादा होगा तो ये गाड़ी horizontally move करेगी। अगर बच्चा इस एंगल को थोड़ा आकर बढ़ा दे तो ये देखेंगे कि ये गाड़ी हॉरिजॉन्टल की बजाय थोड़ा वर्टिकल उठना शुरू हो जाएगी। तो इट मींस फिर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस होता है ड्यू टू रेजोल्यूशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और लास्ट में हम आपको जवाब देंगे कि वाकई एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा था तभी गाड़ी हॉरिजॉन्टली चली। लेट्स सी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेजोल्यूशन किस चीज का नाम है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो लेट्स सी, इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस है। पहले हम ग्राफिकली बात करेंगे लेकिन बाद में शिफ्ट हो जाएंगे एनालिटिकली, मींस हम फार्मूलाज बनाएंगे फॉर एक्स कंपोनेंट एज वेल एज फॉर वाई कंपोनेंट डिटरमाइन करने के लिए, तभी आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एनालिटिकल प्रोसेस। So it is an analytical process in which a vector is split up or divided or break up into its rectangular components. लेकिन कौन से rectangular components होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि those components having an angle of 90 degree between them are said to be rectangular components, तो वो भी लिखा हुआ है। This process is called or known as the resolution of a vector into its rectangular components. तो ये एक process है, इसको हम देखते हैं कि वाकई ये प्रोसेस इस तरह हो रहा है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम कोई भी हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, वहां पे फोर्स की बात थी, हम यहाँ पर कोई भी ए वेक्टर सपोज कर लेते हैं या बी वेक्टर सपोज कर सकते हैं या एफ वेक्टर आप सपोज कर सकते हैं। तो जो भी हमने वेक्टर सपोज किया हुआ है वो इन अ प्लेन है।
प्लेन किसको कहते हैं? टू डायमेंशन वाली चीज को कहते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें तो फिर थ्री डायमेंशनल बात होती है, फिर आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक्स वाई और जी की बात करते हैं। अगर वेक्टर स्पेस में हो तो फिर इसके तीन कंपोनेंट्स बनते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड द जेड कंपोनेंट। तो अभी हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं इन टू डायमेंशन मींस इन अ प्लेन। सो दिस इज अ वेक्टर ए व्हिच इज कंसीडर्ड इन अ प्लेन ऑफ मैग्नीट्यूड ए व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा, बट एंगल किस साइड से मेजर होनी है? विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट क्लॉकवाइज बट एंटी क्लॉकवाइज, आर यू कैन से काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये है कंसीडरेशन, हमने कोई भी ए वेक्टर कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे आपकी यही कंसीडरेशन लिखी हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुंच के डेफिनेशन के बाद और कंसीडरेशन के बाद कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी टेल इज लाइंग विद द ओरिजन, ये ओ पॉइंट के साथ है, और पी पॉइंट शोज इट्स हेड मीन्स टर्मिनल पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि इस ए फिगर में जस्ट अ वेक्टर ए इज गिवन, यानी कि आपको ए वेक्टर दिखाया गया है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी कोई भी एंगल गिवन है। तो अब हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, पहले ग्राफिकली। तो इसी वेक्टर को आप बी फिगर में दोबारा बनाएंगे, वही वेक्टर, वही सेम प्लेन में एक्स एंड वाई में वही एंगल, ठीक है। ए वेक्टर दोबारा बन गया, तो अब आपने इसकी रेजोल्यूशन करनी है मींस इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आपको आपने इसके दो कंपोनेंट शो करने हैं ग्राफिकली पहले। तो किस तरह शो करने करेंगे? आप स्केल उठाएंगे, फिर इस पी पॉइंट हेड से आप एक एसी लाइन बनाएं जो कि एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल हो, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर आकर कंबाइंड हो। तो ये मैंने एक लाइन खींची, लाइन खींचने से अब देखिए कि ये ए वेक्टर है, लेकिन उसके टेल मींस ओ पॉइंट से लेकर सपोज इस क्यू पॉइंट तक जो भी इस एक्स डायरेक्शन में आपको लाइन नजर आ रही है, इसको कहा जाता है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इस कंपोनेंट को आप दूसरा नाम दे सकते हैं ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट। जी हाँ, जो भी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो इसको हम पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं, और यहां पर ये एक्स डायरेक्शन में है तभी हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं ए एक्स कंपोनेंट। अब देखिए ये जो साइड है ये शो कर रहा है हमें दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इस कंपोनेंट के साथ किस एंगल का रिलेशन है? आप कहेंगे 90 एंगल मींस राइट एंगल का, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट और ये वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, या आप इसको कह सकते हैं ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जी हाँ, दोनों नाम आप लिख सकते हैं व्हाटएवर यू लाइक। सो वी कैन से कि ए वेक्टर हमें गिवन था, लेकिन फौरन हमने उसके दो कंपोनेंट शो कर लिए, और ये एंगल डिसाइड करती है कि कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा कौन सा कंपोनेंट छोटा होगा। अगर ये एंगल 45 एंगल से कम हो, जैसे 30 एंगल थी, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा लार्जर होता है किस साइड से? वाई कंपोनेंट से। अगर ये एंगल 45 से ज्यादा हो जाए तो एक्स कंपोनेंट छोटा हो जाएगा और वाई कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, लेकिन 45 वो एंगल है जहां पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट्स की नाप मींस मेजरमेंट या साइज या लेंथ आप कह सकते हैं कि इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट दीज थ्री पॉइंट्स आर यू फॉर यू फॉर द एंट्री टेस्ट। आप इन तीन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा कि व्हेन एवर एंगल इज लेस देन 45 देन एक्स कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वाई कंपोनेंट, व्हेन एवर एंगल इज 45 देन एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द वाई कंपोनेंट, एंड व्हेन एवर एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन एक्स कंपोनेंट विल बी लेस देन द वाई कंपोनेंट्स। तो अभी तो हम ये सारी बातें ग्राफिकली कर रहे थे, लेकिन अब हम आगे चलते हैं और फाइनली देखते हैं कि इनको एनालिटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ इस फिगर तक आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमने ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में जब डिवाइड किया तो अब आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, यस ओ पी क्यू ट्रायंगल नजर आ रहा है, और इस ट्रायंगल को मैं कह सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है,
क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इस एक्स कंपाउंड की साइड को आप कह सकते हैं कि बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं, वन इज बेस, सेकेंड अपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर, एंड लार्जर साइज इज नोन एज द यस हाइपोटेन्यूज। जी हाँ, वेरी गुड, आपको पता होना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफिकली रिजोल्यूशन करना सीख गए कि जब भी ए वेक्टर गिवन हो तो उसके दो कंपाउंड्स इस तरह बनाए जाते हैं, वन इज द एक्स कंपाउंड, अदर इज द वाई कंपाउंड। लेकिन अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकली, यानी कि अगर ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी एंगल गिवन हो विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट मैथमेटिकली एनालिटिकली द वैल्यू ऑफ दिस साइड यानी एक्स कंपोनेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड मीन्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जी हाँ, तो इनके फार्मूला सीखने के लिए अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकली। तो पहले हम बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की, यानी के पैरेलल कंपोनेंट की, यानी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर एक्स कंपोनेंट। तो अब थोड़ा यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्स कंपोनेंट है वो बेस की साइड पर है, और जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपने बेस को डिटरमाइन करना है, तो आपके माइंड में कोई चीज क्लिक हो रही है, यस, कोई चीज ट्रिगर हो रही है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद आते होंगे थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप मैथ्स की लेसन में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा रेशियो हमारी हेल्प करने जा रहा है फॉर द एक्स कंपोनेंट, cos theta, sin theta या tan theta, डिसाइड कीजिए जब तक मैं यहां लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यस, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री मुझे बताइए कौन सा रेशियो हमें हेल्प करने जा रहा है। जी हाँ, यू आर करेक्ट, cos theta, cos sin theta, बिकॉज cos sin theta इज द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज, यस यू आर राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं cos theta, यानी इस एंगल की आप cos रेशियो डिटरमाइन करेंगे, cos sin या आप कह सकते हैं cos is always equal to होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज। तो अब आप कहेंगे कि यहां पर जो बेस है वो उसको हमने डिनोट किया है ए एक्स के साथ, और जो हाइपोटेन्यूज है उसको यहाँ हमने डिनोट किया है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैं ये सिंबल्स रिप्लेस कर सकता हूँ, इजाजत है? जी हाँ, इजाजत है, तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। कॉस थीटा बेस की बात करें ए एक्स, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ए लिख सकते हैं। आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, एक्स कंपोनेंट की, पैरेलल कंपोनेंट की। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगी, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। दिस इज द एनालिटिकल फार्मूला टू डिटरमाइन द एक्स कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एनी गिवन वेक्टर। जी, तो ये था एक्स कंपोनेंट। अब हम बात कर रहे हैं वाई कंपोनेंट की। अब जब वाई कंपोनेंट की बात होगी तो आप कहेंगे कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो अब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हेल्प करने जाएगा। यस, आप बता सकते हैं, यस, साइन थीटा, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर, अब हम बात कर रहे हैं वाई कंपोनेंट की, तो फॉर वाई कंपोनेंट मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यस, कौन सा रेशियो कंसीडर करना चाहिए, साइन थीटा, बिकॉज यू नो दैट साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, यानी उसमें परपेंडिकुलर का जिक्र है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज होता है, और मैं अगर रिप्लेस करूंगी यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमने दूसरा नाम दिया हुआ है ए वाई कंपोनेंट, तो इसको मैं और करके लिख सकता हूँ के परपेंडिकुलर यहां पर ए वाई से डिनोट हो रही है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो डिनोट हो रहा है यहां पर ए के साथ। तो मैं अब फाइंड आउट आप कर चुके हैं कि ए वाई की कैलकुलेशन होगी ए साइन थीटा,
तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज द रिलेशन टू डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट आर द वाई कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर एंड दिस इज द एक्स कंपोनेंट और द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एनी गिवन वेक्टर। तो आपको मुबारक हो कि आपने एनालिटिकली सीख लिया कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो तो फॉरन कॉस वाले रिलेशन की मदद से आप उसकी एक्स कंपोनेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू दिस रिलेशन दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वाई कंपोनेंट और द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फाइनली अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल क्लिप में हमने देखा था जो कि हमारा सवाल था कि अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही थी टॉय कार पर और वो एंगल थी 30 एंगल पे तो आप हमें बताइए कि ये हॉरिजेंटली क्यों चल रही है टॉय कार वर्टिकली क्यों नहीं जा रही या वर्टिकल और हॉरिजेंटल के दरमियान फ्लाई क्यों नहीं कर रही। तो फाइनली आप इसका इंटरेस्टिंग जवाब अब आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब वो नॉलेज आप पढ़ चुके हैं जिसकी ज़रूरत थी इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी हाँ, तो आप थोड़ा मुझे बताइए कि बच्चे ने कितनी फोर्स लगाई थी टॉय कार पर, तो आप कहेंगे कि दैट वाज 1 न्यूटन। एट व्हाट एंगल इंक्लाइन थी वो फोर्स, दैट वाज 30। तो हमें कौन से कंपोनेंट्स डिटरमाइन करने चाहिए, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कौन से वाले, वन इज द पैरेलल अदर वाज द परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट को आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स का अभी आपने फार्मूला पढ़ा याद हो गया फौरन ही आपको, एफ कॉस थीटा लिखेंगे, एफ की वैल्यू 1 न्यूटन है, 30 एंगल का कॉस क्या होता है 0.866 अप्रोक्सीमेटली आप लिखते हैं या रेडिकल 3/2 भी लिख सकते हैं, इट्स सेम थिंग, वो एक्यूरेट है ये अप्रोक्सीमेट है। तो 1 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.866 न्यूटन वाज एक्सर्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी 1 न्यूटन में से 0.866 न्यूटन जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली लग रही है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल फोर्स कितना था इस टॉय कार पर, तो वर्टिकल कंपाउंड के लिए कौन सा रिलेशन आप यूज करेंगे, वेरी गुड, एफ वाई इक्वल टू यस एफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ 1 साइन 30, 30 का साइन क्या होता है, मैं डायरेक्ट वही लिख लूं, यस बताइए मुझे 30 का साइन 0.5 होता है, हाफ होता है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 1.5 न्यूटन। अब देखिए कि कौन सा कंपोनेंट ग्रेटर है, अब नजर आ रहा है एक्स कंपोनेंट 0.866 है और वाई कंपोनेंट 0.5 था, तो गाड़ी ने किस तरफ चलना था, जिस तरफ कंपोनेंट ज्यादा होगा वो गाड़ी वो चीज उसी तरह जाहिर है उसी तरफ जाहिर है मूव होगी क्योंकि उस तरफ में फोर्स ज्यादा है और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कम है। तो असल में बच्चे ने फोर्स लगाई 1 न्यूटन 30 एंगल पर, वो तकसीम हो गई रिजॉल्व हो गई दो कंपोनेंट्स में एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज लार्जर वन देन द वर्टिकल कंपोनेंट बिकॉज द एंगल इज लेस देन 45। तो गाड़ी ने कहाँ चलना है, हॉरिजॉन्टल ही चलना है। सो हमने जो पहले सवाल उठाया टॉपिक पढ़ने के बाद उसका जवाब मिल गया कि अगर फोर्स कुछ तिरछी हो तो चीजें हॉरिजॉन्टली क्यों चलती हैं, इसलिए चलती हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। सो होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर टुडे, सी यू अगेन, टेक केयर, स्टे एट योर होम्स एंड कीप